ये देखिए बकरी आ गई, भाग रही है। जी अपने गांव पहुंच गए हैं, थोड़ी दूर पर हमारा घर है। और आप में से कई लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि हम लोग किस गांव से हैं, तो हम लोग सिसवा गांव से हैं जी। तो फाइनली जी पहुंच गए अपने दादी गांव। अब सारा सामान जल्दी से यहां से निकाला जा रहा है। तो एक ही ड्रेस है दोनों का, मैचिंग है। आप लोग को बहुत उम्मीद था हाँ। जो हम जुड़वा देखेंगे हाँ। आज ये दोनों जुड़वा आ गया है। तो हमारी दोनों जुड़वा बच्चों को देख लीजिए। एक जगह है हमारे गांव के बगल में ही धीमा, वहाँ पर है शिव जी का मंदिर। हम लोग के परिवार, हम लोग का जो वंशज, सभी लोग आते रहे हैं। जिया का एग्जाम हो गया खत्म। जितना भी एग्जाम था जिया का, पांच एग्जाम था, पांचों एग्जाम हो चुका है संपन्न। उसके बाद जो है उनके ससुराल से भी जो भी सभी आए थे वह सभी चले गए। आज सुबह वालों विदा हो गए। हम लोग जब तक आए उससे पहले ही विदा हो चुके थे, क्योंकि उनका ट्रेन का टाइम था उस समय। और अभी लगी है मुझे फिलहाल भूख, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। खाना खाने से पहले आप क्रियांश को दादी और दूध पर दादी और दूध दादी और पोता चले गए। ये कहा है बिचारों को इतना बेइज्जत बेइज्जत कर दिया जाता है, नंगू पंगू कर। ओए क्या है भाई, क्या कर रहा है मौसमी? अच्छा लग रहा है ऐसा करने में, हमको बेकार लगता है। दूस खा लिया अच्छा लगता है, एसी को न्यूट्रलाइज कर देगा ये अभी। वाह वाह बहुत बढ़िया, करो केमिकल रिएक्शन। हम बोल ही नहीं बोले थे अपना भाषा में, एक दूसरे को समझे। ओए हो गया ना आया हुआ आज भांजा को, हमने ना आया है ना भांजा, मैंने ना आया ना तुम्हें अभी मैं मंजन कर रहा हूँ, मैंने ब्रश नहीं किया है। अरे प्यार से मारे छोकरा। यहाँ पर जी भोजन लग चुका है, और भोजन में क्या है, पनीर। वाह मेरा मन पसंदीदा। तो जम कर खाओ पाजी, खाइए। और यहाँ पर जी सारा गिफ्ट को जो इकट्ठा किया जा रहा है, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की जो है वीडियो आने वाली है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और वह एकदम बिल्कुल गिफ्ट स्पेशल ब्लॉग रहेगा। पुआ को वो अपनी भतीजे को एक्सचेंज हुआ है, मतलब भतीजा भतीजी का लेन देन, मतलब मेरी पुआ ने मुझे दिया और फिर मैंने अपने भतीजे को दिया, मतलब तीन तो का ये काम। तो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होने वाली है जी, तो आप लोग बने रहिएगा। The next day. तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और इस समय जो है हमारी बुआ सब जो है अभी हो रही है विदा। इन्हें यहाँ से निकलना है जी अररिया, वैसे कोशिश कर रहे हैं ट्रेन मिल जाए, लेकिन शायद ट्रेन ना मिले, तो वैसे ही बस भी है ऑप्शन, तो बस से भी निकल सकती है। A few moments later. बुआ जी को तो छोड़ दिया जी, बुआ जी को बैठा दिया बस में, और वहाँ तो विदा हो गई है जी। और अब बारी हमारी भी निकलने की है जी। आज हम लोग जा रहे हैं दादी घर। नैन्सी दीदी आई हुई है, मम्मी आई हुई है, और हमारा प्यारा सा भांजा आया हुआ है। तो जी बात क्या है कि हम लोग गांव इसलिए जा रहे हैं, हमारा जो कुल देवता है वहाँ पर जाना था हमें। क्रियांश जब से जन्म लिया अभी तक वहाँ पर गया भी नहीं है एक बार, तो क्रियांश को लेकर के जाना है और वहाँ पर पूजा करना है हमें। और इधर जो है जिया तैयार हो चुकी है। वैसे हम लोग को जो है निकलना था सुबह 6 बजे, और अभी बज चुके हैं सुबह के 9, और कितनी देर लगेंगी भगवान जाने। वैसे होता क्या है कि बच्चों के कारण लेट हो जाता है कई बार, बच्चे के कारण ही हुआ। इन दोनों को खिलाने में सभी लगे रहे, और इसको जो है हमने रोक लिया है, कहा कि चलो आज हमारे साथ गांव, ये भी अपने नानी घर चले जाएगा और इसको छोड़ देंगे लौटते समय। यहाँ नैन्सी दीदी भी तैयार है, और हमारा भांजा लाल भी तैयार है। चले 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 हमारे नानी घर चल रहे हैं। तुम्हारा पुश्तैनी पहली बार जा रहा है हमारा नाती और पोता अपने घर। बाबा इसका परनाना हुआ और उसके पर बाबा उसके घर जा रहे हैं। सबसे बड़े
बड़े बड़े बड़े बड़े नाना के घर जा रहे हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। भगवान जी को कैसे जय कर लेगा बाबू, बता दो तो एक बार जय कर के, कैसे जय कर लेगा बाबू? जय ऐसे दूध पिएगा भगवान जी से दूध पीना मैं। तो अब चलते हैं जी अपने साले साहब के यहाँ और वहाँ से गाड़ी उठा करके लाते हैं और फिर सभी लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो शिवम तुम भी चलो, थोड़ा बहुत सैर कर लो, चला जाओ। 20 minutes later तो फाइनली जी गाड़ी निकाल दी है और गाड़ी लेकर के चलते हैं और वहाँ पर भी सभी लोग तैयार हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो चलते हैं। तो गाड़ी को तो लेते आए जी घर और सभी लोग तैयार हैं और अब जो है निकलने की तैयारी की जाए। भाई चलो निकलो, 10 बज गया है, जल्दी से निकला जाए, जल्दी से सब्जी दे जी। सभी लोग तैयार है, मम्मी और निशी दीदी और हमारा भांजा तो नीचे जा चुका है, क्रियांश भी जा चुका है, बस बचे हम और दिया, चलते हैं। एक ही कपड़ा पहना है मामा के, देखो नानी को नहीं, मामा को नानी को नहीं, ये जा रहा है अपने दोनों भाई जा रहा है आज अपने दद्दू के घर, बड़े जज्जू के घर, ये जा रहा है अपने नानू के घर, दोनों जरूर आ रहा है। क्या छपाए बढ़िया से आइए चाचा के भले दही छोड़ना बेटा बाबू, चलो बाबू जा रहा है। बाबू तुम बराबर आजकल यात्रा कर रहे, क्या बात है जी आजकल बाबू का यात्रा है, आजकल आप बहुत यात्रा में रहते हैं जी। ले ली है डायपर सब कुछ है, चलो कुबड़े चलो, अभी तो पैखाना नहीं किया, बदनाम चाहेंगे तो नहीं करेंगे। छोटकू जाओ है, दोनों भाई जाना है बाबू। हम लोग जी रुके हुए हैं बीच रास्ते में, उधर है गन्ना का जूस, तो गन्ना का जूस हम लोग पी लिए हैं और अभी जो है हमारा जो भांजा लाल है उसको पोटी लगी है, तो उसको पोटी करवाया जा रहा है, तो हमें कुछ समय मिला है, तो हम शिवम और जिया और क्रियांश सभी लोग आ गए हैं बाहर क्योंकि सामने दिख रहा है एक नदी, तो नदी के पास चलते हैं। जिया यहाँ पर खड़ी है क्रियांश को लेकर के, क्रियांश भी नदी का नजारा ले रहा है, एकदम अच्छे से निहारा है नदी को। हाँ क्रियांश नजारा है ना, ये देखिए बकरी आ गई, ये भाग रही है, दूर 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 दूर। तो फाइनली जी अपने गांव पहुंच गए हैं और यहां पर जो है थोड़ी दूर पर है हमारा घर है और गांव पहुंचते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों कैसे फील आ रहा है, हमारे दोनों का दादी के घर और शिवम का नानी का घर है, कैसा लग रहा है? फेमस ये हमारे शिशवा प्राथमिक विद्यालय शिशवा और हम दोनों सास बहू का ससुराल। और आप में से कई लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि हम लोग किस गाँव से है, तो हम लोग शिशवा गाँव से है जी। ये है शिशवा गाँव का स्कूल जहाँ बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो फाइनली जी पहुंच गए अपने दादी गांव, अब सारा सामान जल्दी से यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर आ गए जी हमारी बड़ी मम्मी। तो घर में घुसने से पहले जी हम लोगों को अपना पैर धोना पड़ता है, पैर धो करके जाते हैं गोसाई घर, वहाँ पर जब प्रणाम करते हैं फिर उसके बाद ही जितने भी बड़े बुजुर्ग है सभी को प्रणाम करते हैं। हम लोग घर पहुंच गए जी और घर पहुंच करके पूजा सब हो गई है और इन दोनों को यहाँ पर लेटा दिया गया है, ये लोग भी पूजा कर लिए हैं, हो गई इनकी पूजा, ये दोनों आराम से लेटे हुए हैं, एक नानी घर में एक दादी घर में, हाँ
एक पहुंच गए हैं जी और यहाँ पर पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद सभी लोग फ्री हैं। ये दोनों भी पूजा कर लिए हैं। टीका दोनों से कोई भी अच्छे से नहीं लगवाने दिया है, कोई भी लगाने नहीं दिया। उसका इधर टेढ़ा है, उसका इधर टेढ़ा है। मस्त है दोनों, एक ही ड्रेस है दोनों का, मैचिंग है। आप लोग को बहुत उम्मीद था जो हम जुड़वा देखेंगे, आज ये दोनों जुड़वा आ गया है। हमारी दोनों जुड़वा बच्चों को देख लीजिए। नहीं तो पता है लाइट चली गई की अब हल्ला कर दो दोनों। ये उदाब दे है उनका की खाली पलटना है। ये पलटता था, ये शांत रहता था, अभी ये पलट रहा है खाली। कभी ऐसे नहीं रहता था, जब तक बात नहीं करता था शांत नहीं रहता। उंगली करना है मुँह में, कैसे छुपा के करेगा ना, तो कोई मतलब नहीं रहा। आराम करो। चाची देख रहे थे बच्चा आपके जो बाबा से लग से। अच्छा ये बनाल गए अपने। अच्छा यहाँ एक और है। मैं नहीं। अच्छा बहन है। ये दोनों राखी लेके साथ में आया। रानी मदन अमर जी। रानी मदन अमर। हाँ रानी मदन अमर ठीक है तो। हाँ हाँ तो उस रुका जाओ। इधर हम आते पूजा से। हाँ और नहीं बेटा, नहीं बेटा कौन बाबा जन्म। अच्छा अपन बाबा जन्म रहे। अच्छा बाबू आ गया अपने बाबा के पास। कुछ देर सोया उसके बाद अब एकदम हो गया शुरू। तो जी यहाँ पर हो गई सभी से मुलाकात और अब बारी है यहाँ से विदा लेने के लिए। यहाँ पर तीन तीन बच्चे हैं, एक हमारा भांजा, एक हमारा बेटा और एक हमारी भांजी। तो एक अलग ही माहौल था और एक अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर। यहाँ पर भी देख सकते हैं बाबा लेकर के घूम रहे हैं पोते को। नहीं भाई फिर प्लान आज का था नहीं, वो बस सुबह सुबह बन गया कि निकलना है। चलो तो अब चल रहे हैं जी सभी यहाँ से। पीछे यहाँ पर एक गोबर गैस, इसी पर एक समय हम लोग खेला करते थे। और यहाँ से चल रहे हैं बाहर। इसका दक्षिणा है। अच्छा तुम भी है की फोटो में। हाँ चलो ले लिए दोनों भाई के साथ में फोटो चले। अब कैसा लग रहा है आपको बता सकते हैं। वाह Later. तो जी हम गांव से निकल गए और पहुंच गए धीमा मंदिर। हाँ जी एक जगह है हमारे गांव के बगल में ही धीमा, वहां पर है शिव जी का मंदिर। और वहां पर जो है हम लोग के परिवार, हम लोग का जो वंशज, सभी लोग आते रहे हैं। और जब भी हम लोग गांव आते हैं और मौका मिलता है तो यहां पर जरूर आते हैं। तो चलते हैं जी जल्दी से अंदर और जाकर के पूजा करते हैं। जो भी पहले से जुड़े होंगे हमारे चैनल से, उन्होंने कोई ना कोई ब्लॉग जरूर देखा होगा। यहां का लगभग शायद एक दो ब्लॉग तो हम जरूर डाल चुके हैं। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अंदर। देख रहे हैं मंदिर। दादी बचेन रहे पोता केना मंदिर जा दर्शन करे धीमा। धीमेश्वर बाबा की जय हो। दोनों मिलकर